दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं आपका दोस्त भारत जांगिड़। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि काफ़ी यूजफुल है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो माइक्रोटेक कंपनी का 900VA का इन्वर्टर है। तो दोस्तों इसकी जो प्रॉब्लम होती है, कई बार हम इन्वर्टर जो UPS होता है हमारा उसको हमेशा ऑन ही रखते हैं, जो सामने वाला बटन होता है उसका। तो दोस्तों कभी हमें बाहर जाना पड़ता है तो उसको जब ऑफ़ करते हैं तो काफ़ी दिनों से यदि ऑन स्विच है उसमें डस्ट जाने की वजह से स्विच प्रॉपरली काम नहीं करता है। दोस्तों यदि हम पुश करेंगे ऑफ़ करने के लिए तो भी ऑफ़ नहीं हो पाता है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ये देख पाइए, ये EB900 इसका मॉडल है। दोस्तों देखिए हम बटन को प्रेस कर रहे हैं बार बार, बाकी इन्वर्टर ऑफ़ नहीं हो रहा है। ब्लू LED जो इसकी ग्लो कर रही है, यानी कि UPS कंटिन्यू ऑन है। तो दोस्तों इसका आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको बिना किसी सोल्डरिंग आयरन की मदद से आपको कैसे इस स्विच को ओके और ठीक करना है एकदम। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, स्किप कहीं से ना करें, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में मिल सके। तो दोस्तों देख पा रहे हैं मेन ऑन भी हमारा इन्वर्टर दिखा रहा है, चार्जिंग भी शो कर रहा है, और जब हम इसको ऑन ऑफ बटन पुश कर रहे हैं तो इन्वर्टर ऑफ नहीं हो रहा है। UPS मोड कंटिन्यू इसका ऑन है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना है उसके लिए देखिए ये वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लिया हमने। सबसे पहले जो UPS कवर के जो हमारे जितने भी पेच हैं उन सबको खोल लेंगे दोस्तों। दोस्तों पेज खोलने के बाद में देखिए इस टाइप से हमारा जो UPS आपको अंदर से दिखाई देगा, जो सामने इसका ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है उसको हम माइक्रो स्विच को खोल लेंगे। जो पैनल है इसका उसके अंदर से स्विच को खोलकर बाहर निकालेंगे दोस्तों। दोस्तों पेज थोड़ा साइड में आ रहा है, जो इसका कैबिनेट है उसके, तो इसको खोलने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा हमें। दोस्तों ऐसे निकलने वाला नहीं है, तो हमें जो इसका फ्रंट पैनल है फर्स्ट में उसे खोलना होगा। अंदर की तरफ दोस्तों देखिए नहीं निकलेगा दोस्तों, तो हमें इसका जो फ्रंट पैनल के पेच है वो खोलने पड़ेंगे। चारों कॉर्नर पे चार या पांच पेच आपको मिलेंगे लगे हुए अंदर की तरफ से, उन्हें भी खोल लेंगे हम। दोस्तों पैनल को इस टाइप से खोल लेना है जिससे आसानी से हमारा माइक्रो स्विच PCB है वो हट सके। दोस्तों ध्यान रखना है आपको बैटरी और इन्वर्टर दोनों अलग अलग कर लेने हैं इस कंडीशन में जब आप इसको खोलें। ये देखिए दोस्तों स्विच खींचने पर भी बाहर आ रहा है और पुश करने पर ये देखिए वापस नहीं आ पा रहा है स्विच। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप बिना स्विच को चेंज करे भी ठीक कर पाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, वो
दोस्तों यदि आपका ऑन ऑफ स्विच डैमेज है तो आराम से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। मात्र ₹5 का ये स्विच आपको इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर की दुकान पर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इस स्विच को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसमें हमें एक बूंद मशीन का जो सिलाई मशीन का ऑयल होता है वो डालना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद में हमें पुश करना है। देखिए दोस्तों, स्विच एकदम प्रॉपर काम कर रहा है बिल्कुल इजीली। तो इसे हम वापस कस देते हैं फ्रंट पैनल के अंदर। इसके बाद में दोस्तों आपको इसकी जो भी सारी डस्ट है उसे ब्रश या फिर आपके पास एयर ब्लोअर हो तो उसकी मदद से साफ़ कर सकते हैं। तो अच्छे से हमें साफ़ भी कर लेना है। सारा कंप्लीट पीसीबी को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है आपको, सारी डस्ट निकाल देनी है इसकी। उसके बाद में जो फ्रंट पैनल है इसका, उसे हम वापस से फिट कर देंगे। पैनल के सभी पेच लगा लेंगे हम। अभी इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये 7.5 एम्पियर 12 वोल्ट की बैटरी जो कि हमने चेक करने के लिए आया है दोस्तों। टर्मिनल का ध्यान रखें हमेशा, नेगेटिव पॉजिटिव आपको बिल्कुल ओके लगाने। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो गया है। वन टच में भी आराम से UPS ऑन का इंडिकेटर भी आ रहा है दोस्तों। स्विच बिल्कुल अच्छा वर्क कर रहा है नए की तरह। दोस्तों 100 वाट का बल्ब है जो कि हम सप्लाई चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। ये बल्ब के वायर हमने होल्डर वाले आउटपुट जो सॉकेट है इन्वर्टर का उसमें लगा दिए हैं। अब हम दोबारा से इन्वर्टर को ऑन करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा इन्वर्टर। देखिए बल्ब को साइड में करके आपको स्विच चेक कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्विच एकदम नए की तरह वर्क कर रहा है बिल्कुल वन टच में, बिल्कुल टच पैनल की तरह वर्क कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। किसी जानकारी और कोई जानकारी आपको इन्वर्टर के बारे में लेनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, इसी टाइप की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।